गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस सुमित गर्ग है और अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीएसटी की इस साल की शुरुआत सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 25 को अमेंड करके की गई थी, जहाँ पर सब सेक्शन 6A, 6B, C एंड 6D को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सेक्शन नए रजिस्ट्रेशंस और एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस दोनों के लिए ही आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी करते हैं। साथ ही साथ रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9 भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि इससे ही रिलेटेड रूल्स हैं। ये रूल्स 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल थे, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर इसके रिलेशन में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई थी। नाउ कल की डेट से, यानी कि 21 अगस्त 2020 से इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी पोर्टल पर कर दी गई है। अकॉर्डिंगली इन रूल्स को अमेंड कर दिया गया है और इनकी इफ़ेक्टिव डेट 21 अगस्त 2020 कर दी गई है। इसी के रिलेशन में नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 इशू की गई है। आज की हम इस वीडियो में अपनी उसी नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 इशू की गई है, जो कि 20 अगस्त की डेट में इशू की गई है, लेकिन जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो 21 अगस्त से बताई गई है। आप यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर 8 का जो सब रूल 4A है उसे अमेंड किया गया है और उसकी जगह एक नया सब रूल 4A सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसमें क्या बात लिखी गई है, वेयर एन एप्लीकेंट अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25। यहाँ पर ये कौन पर्सन है, जैसे आप समझिए कि नॉन रेजिडेंट कोई है जो कि इंडिया का सिटीज़न नहीं है, उसको यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन से हटा दिया गया है, उसे आधार ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर एन एप्लीकेंट opts for authentication of Aadhaar number, he shall, while submitting the application under subrule 4 with effect from 21st August 2020, undergo authentication of Aadhaar number and the date of submission of the application in such case shall be the date of authentication of the Aadhaar number or 15 days from the submission of the application in Part B of the form GST REG-01 under subrule 4, whichever is earlier. तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि अगर कोई नया पर्सन है जो कि नया रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहा है 21 अगस्त 2020 के बाद से, तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना है। ऑप्ट करने का क्या मतलब है, क्या वो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के भी अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे सकता है? यस। तो यहाँ पर ये आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। और आपकी डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी, जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया है, या फिर 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी पहले रहेगा वो आपकी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन मान ली जाएगी। इसके करस्पेंडिंग रूल 9 है कि यदि किसी के पास आधार नहीं है तो उसे अल्टरनेट वायबल मीन्स प्रोवाइड किए जाएं। तो यहाँ पर लिखा है सब रूल 1 में अमेंड किया गया है और एक प्रोवाइजो डाला गया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन अदर देन ए पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 6D ऑफ सेक्शन 25 फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 4 और डज नॉट ऑप्ट। तो यहाँ पर ये रूल नंबर 9 प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन को फेल कर जाएं, मतलब आपने ऑप्ट किया था लेकिन किसी वजह से आपका आधार नंबर जो है वेरीफाई नहीं हो पाया, शायद उसमें नाम चेंज है, और डज नॉट ऑप्ट फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, या फिर आपने ऑप्शन वो आधार ऑथेंटिकेशन का अवेल ही नहीं किया है और आप विदाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ सेट पर्सन। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कब दिया जाएगा, ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया,
यानी कि सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन अगर आपने ऑप्ट नहीं किया तो इन दैट केस आपके प्रिमाइस की फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो जाती है। ये क्लॉज 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल था। इसमें फर्दर अमेंडमेंट की गई है और एक फर्दर प्रोवाइजो ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोवाइजो द प्रॉपर ऑफिसर मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर इन लियू ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस कैरी आउट द वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट एज ही मे डीम फिट। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को पावर दी गई है कि यदि कोई पर्सन अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाता है या फिर फेल हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ विजिटिंग द प्रेमाइसिस वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है और उनके बेसिस पर भी रजिस्ट्रेशन दे सकता है। हाउएवर इन दिस केस उसे जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव ऑफिसर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहेगी। इन सब रूल टू जो रूल 9 है उसका सब रूल 2 कहता है कि यदि आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसी है तो विद इन 3 डेज जीएसटी REG03 में वो फर्दर डॉक्यूमेंट असेसी प्रॉपर ऑफिसर मंगा सकता है। तो यहाँ पर क्या बात लिखी गई है कि यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो जाते हैं या फिर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया, दोनों ही केसेस में जो नोटिस है, जो जीएसटी REG03 नोटिस है, उसकी जो डेडलाइन है वो 3 दिन की जगह 21 डेज कर दी गई है। यानी कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करवा लेते हैं तो डेट ऑफ सबमिशन से 3 दिनों का टाइम है प्रॉपर ऑफिसर के पास आपसे डेफिशिएंसीज कुछ पता करने के लिए, कोई नोटिस इशू करने के लिए। यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हैं तो उसको 21 डेज का टाइम है आपसे डॉक्यूमेंट फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया है तो 3 दिनों में वो डेफिशिएंसी मांग सकता है, अदरवाइज आपका डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। और यदि आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो वो 21 दिनों के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, अदरवाइज डीम्ड अप्रूवल। ये डीम्ड अप्रूवल की बात कहाँ पे लिखी है? ये सब रूल 5 में लिखी है जो कि मॉडिफाई सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है इफ़ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, और इसमें वही बात लिखी गई है, अगर आधार ऑथेंटिकेशन करवाया है तो 3 दिनों के अंदर एक्शन नहीं लिया है, और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया है तो 21 दिनों के अंदर अगर उसने एक्शन नहीं लिया है, और यदि उसने एक्शन ले लिया है और आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी और आपने क्लैरिफिकेशन दे दी और उसके 7 दिन के बाद उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके 7 दिनों के बाद आपका जो है डीम्ड अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन का डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। फर्दर यहाँ पर एक और अमेंडमेंट की गई है इन सब रूल 4 फॉर द वर्ड शैल द वर्ड मे बी सब्स्टिट्यूटेड। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले अगर आपने क्लैरिफिकेशन सबमिट की और प्रॉपर ऑफिसर को वो क्लैरिफिकेशन प्रॉपर नहीं लगी या फिर आपने कोई भी क्लैरिफिकेशन सबमिट नहीं की तो इन दैट केस वहाँ पर वर्ड शैल था और प्रॉपर ऑफिसर को आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर फैसिलिटेट करते हुए, टैक्सपेयर को फैसिलिटेट करते हुए उस शैल वर्ड को मे में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाउ इट्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर दैट इवन आफ्टर द रिप्लाई इज इनसफिशिएंट वो कुछ और डॉक्यूमेंट के बेसिस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर सकता है। इन द सेट रूल्स इन रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 डील्स विद द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रमाइसिस कि फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखी जाएंगी और उसकी जो रिपोर्ट है वो कितने समय में अपलोड की जाएगी। इन रूल 25 विद इफेक्ट फ्रॉम 21st अगस्त 2020 आफ्टर द वर्ड्स फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन द वर्ड्स और ड्यू टू नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर रूल 25 की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाया गया है, यानी कि अगर आधार ऑथेंटिकेशन में फेल होते हैं या फिर आपने आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट ही नहीं किया तो फिर फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी के रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में टैक्सपेयर की फैसिलिटेशन के लिए डाला गया है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 21st डे ऑफ अगस्त से, उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 62 हमने डिस्कस कर ली है। इसमें
इंडिविजुअल या फिर ऑथराइज सिग्नेटरीज जो भी हैं ऑल टाइप ऑफ बिजनेस या फिर मैनेजिंग ऑथराइज पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म करता अप्लाइंग फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन कैन ऑप्ट टू अंडरगो ई के वाई सी ऑथेंटिकेशन ऑफ देयर आधार नंबर। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि ये सिर्फ प्रोसेस किसके लिए है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। आप यहीं पर एक नीचे लाइन दी गई है, पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन एट दिस स्टेज। अभी इस स्टेज पर आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं है अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं तो। एप्लीकेंट हु इधर डू नॉट प्रोवाइड आधार वाइल अप्लाइंग फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन और हुज आधार ऑथेंटिकेशन फेल्स इन वैलिडेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू साइट वेरिफिकेशन बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। हाउएवर टैक्स अथॉरिटी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कैन ग्रांट द रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बताया गया था कि एक प्रोवाइजो डाला गया है जिसके तहत यदि कुछ डॉक्यूमेंट मंगाने पर भी रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है और उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी नहीं रहेगा। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया है तो 3 working days में आपका डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। अगर फेल हो गया है आधार ऑथेंटिकेशन और कोई भी शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है 21 दिनों के अंदर जो कि पावर है उसको, रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड अप्रूव्ड। सिमिलरली एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर रिप्लाई विद इन 7 working days फ्रॉम इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। अगर कोई शो कॉज नोटिस इशूड हुआ है तो उसका 7 दिनों के अंदर आप जवाब दे सकते हैं और 7 दिनों का जवाब देने के बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास 7 दिनों का टाइम है। अगर वो फर्दर कोई एक्शन नहीं लेता है तो आपका डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा। थैंक यू सो मच।